हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ देखिए, माँ की दरबार सज गई है। तो यहाँ भी लाइट बुती हुई है, अब लाइट ऑन कर दी। तो यहाँ देखिए, पूजा की तैयारी कर ली हूँ। पूजा की तो कल ही तैयारी सारे कुछ हो गई है, बस विशेष जो पूजा रहती है, कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना जिसे बोलते हैं अपने भाषा में, मैं कलश स्थापना ही बोलती हूँ। आज नवरात्रा का पहला दिन है, जो कि यहाँ देखिए अखंड ज्योत के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, दीपक पूजित करने के लिए। सबसे पहले सारे तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ अखंड ज्योत के लिए थाल में जो है ना स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें कुछ पुष्प रखने के बाद जो है यहाँ माँ को विराजमान कर रहे हैं, माँ दुर्गे को। तो उनका श्रृंगार हो चुका है, इनका श्रृंगार आपको मिल चुका होगा वीडियो में। तो यहाँ ये उनको विराजमान कर रही हूँ स्थान पर, जहाँ मैं पूजन करूँगी ना, कलश स्थापित करूँगी और घट स्थापित। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना ज्वार मैं जमाने वाली हूँ, जिसमें जो जिस मिट्टी के जो बर्तन है, जिसे मिट्टी के कढ़ाई आते हैं ना, छोटे बड़े जो भी आते हैं, तो मीडियम साइज़ के जो मेरे ज्वार जमाने के लिए, इसमें जो है ना सबसे पहले ना चावल एक प्लेट में रखकर, उसके बाद ही मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी मैं भरी हूँ ज्वार जमाने के लिए, तो इसको मैं स्थापित कर ली हूँ। उसके बाद चलते हैं कलश स्थापन करना, क्योंकि कलश स्थापन जो है मुहूर्त पर ही किया जाता है, बाकी की पूजा बाद में भी कर सकते हैं, मगर सबसे सर्वप्रथम जो है कलश स्थापना मुहूर्त पर कर लेनी चाहिए। पूजा जो है आगे पीछे होती रहती है, इसलिए मुहूर्त पर जो है ना अपने यहाँ कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के पात्र में आप शुद्ध जल भरे। उससे पहले गंगा जल डाला है मैंने, गंगा जल अगर थोड़ा सा है तभी उसे भी मिला ले शुद्ध जल में। तो यहाँ देखिए, गंगा जल डालने के बाद ना जो पूरी मैं कंठ तर जो है जल भरूंगी, शुद्ध जल जो है ना ताज़े निकलते पानी नल से, तो वही पानी को आप अच्छे से कंठ तर भरना है। उसके बाद डालना है आपको कुछ हल्दी, कुमकुम, हल्दी की गांठ नहीं हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अच्छा तो कमलकट्टे, लौंग, इलायची, एक सिक्का पुष्प, इस तरह से हम डाल देंगे कलश के अंदर। उसके बाद हम कुछ अक्षत डालेंगे। उसके बाद हम जो है आम के पल्लो आते हैं उसे अब रखेंगे। तो आम के पल्लों पर हल्दी कुमकुम मैंने जो है टीका लगा लिया है। उसके बाद कलश पर हम रख रहे हैं। कलश पर रखने से पहले हम एक प्लेट में थोड़ी सी चावल रखेंगे, उसके बाद नारियल को रखेंगे। तो ये जो है ना कलश स्थापना की आपको वीडियो मिलेगी। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं पूजा करती हूँ प्रॉपर जो है ना, इस तरह से हर साल नवरात्रा का पहला दिन जैसे कैसे कलश स्थापना करना है, उस दिन पूजा विशेष रहती है। क्योंकि जिस दिन कलश स्थापना रहती है ना, सबसे पहले कलश को ही पूजा किया जाता है। तो इसलिए जो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं कलश पूजा कर रही हूँ। कलश स्थापना करने के बाद बाकी की पूजा करूँ, जिसे गणपति को विराजमान करना। और उसके बाद तो यहाँ देखिए, कलश स्थापना लगभग मेरी हो गई है, बस कुछ पूजा करेंगे। जिसे कलश को स्थापित करने के बाद वहाँ भी पूजन करनी रहती है। तो यहाँ पुष्प से इस तरह से हम ना नारियल के बाहर से इस तरह से सजा देंगे, ऊपर से भी रख सकते हैं, एक माला आप लगा सकते हैं नारियल के ऊपर। तो नारियल पर मैंने मौली और चुन्नी पहले ही जो है लपेट के रखी थी, बस स्थापित करना रह गया था। इस तरह से जो है ना अच्छे से हम बैठा देंगे, क्योंकि कलश स्थापना करने के बाद ना हिलाना डुलाना नहीं होता है, बस 9 दिन जिस दिन पूरेगा उस दिन आप हिला सकते हैं। आज के बाद से जो 9 दिन जो है ना आपको हिलाना नहीं है इस तरह से। तो चैत्र की नवरात्रि और अक्टूबर की नवरात्रि दोनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कलश को पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम ज्वार की तरफ चलेंगे। ज्वार की मिट्टी मैंने रेडी कर ली है, और इस तरह से देखिए मिट्टी के बर्तन में मिट्टी मैंने भर लिया, बस ज्वार हमको पूजा करना है। बस एक एक करके ना सारे पूजा करके बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर नॉर्मली खुद से जो पूजा कर सकते हैं इस तरह से नवरात्रि। और ये मेरी 9 दिन की व्रत आज से जो है संकल्प ले लेती हूँ। कलश स्थापना के दिन आपको संकल्प लेना है कि यह माँ मुझे 9 दिन की व्रत की संकल्प लेने के बाद ना आप प्रार्थना करेंगे माँ से, ताकि आपके 9 दिन के व्रत की पूजा जो है ना अच्छे से गुजरे। इसलिए यहाँ देखिए, सर्वप्रथम इस तरह से ना पुष्प रखेंगे, अक्षत रखें। तो यहाँ ज्वार जहाँ भरने वाले हैं, ज्वार उगाने वाले हैं, तो उसे भी मैं पूजा कर ली हूँ। नारियल के ऊपर एक हम गेंदे की माला भी रखेंगे। तो आपने पहले देखा कि मैंने पुष्प भी चढ़ाया है, उसके बाद एक माला भी चढ़ाया है, कि सर्वप्रथम जो है ना कलश देवता को ही पूजा किया जाता है, इसलिए कि सारे देवी देवता जो है कलश में ही विराजमान रहते हैं, आह्वान किया जाता है। तो यहाँ देखिए, रात में ही जो है ना फूलने के लिए डाल देते हैं। फूलने के डालने से क्या होता है ना कि जौ बहुत जल्दी जम के निकल आती है 1 से 2 दिन में। तो
आप भी ऐसा ही करें। जौ को रात में मैं फूलने के लिए डाल दी थी, बहुत अच्छे से फूल चुका है। बस इनको अच्छे से बिछा दूँगी, हल्के से पानी की छींटे मारेंगे, उसके बाद शाम को देखेंगे। एक ही बार में पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक ही बार डालेंगे ना तो वो गल जाती है, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा पानी करके छींटा मारें ज्वार पे। तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा छींटा मारना है। तो कलश स्थापना होने के बाद ना सर्वप्रथम मैं गणपति को जो है स्नान कराऊँगी, पूजा करूँगी। तो यहाँ देखिए गणपति को पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल को भी विराजमान किया है। माँ दुर्गा का भी पट नहीं खोलेंगे, सप्तमी के दिन जो है मैं पट खोलती हूँ हर साल, और चैत के नवरात्रि में भी और अक्टूबर के नवरात्रि में भी। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट मैं सारे देवी देवताओं को पूजा कर चुकी हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो पूजा की वीडियो मैं तो बहुत बार ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग आप भाई जाकर देख सकते हैं मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कलश स्थापना करके दिखाई हूँ कि मैं कैसे करती हूँ खुद से घर पर इस तरह से। और देखिए प्रॉपर जो है ना, जैसे ब्राह्मण करवाते हैं ना, ठीक उस तरह से जो है पूजा मैं करती हूँ। और एक एक जो है इसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि 1 से 2 घंटा पूजा करने में लग जाती है। सिर्फ पूजा करने में ही 2 घंटा लग जाती है, पाठ करने में तो 1 से 1.5 घंटा अलग से लगती है, मगर पूजा करने में क्योंकि